यह आर्टिकल है कार्निवल 01, इसकी एमआरपी है 1199 रुपए। ये 100% आपका 1000 के अंदर आपको मिल जाएगा। ये भी पॉलिथीन में पैक होकर आता है, मैंने पहले से निकाल दिया है। लुक वाइज बहुत ही प्यारा दिख रहा है, जैसे नाइक का जॉर्डन आर्टिकल आता है उसी से इंस्पायर होकर इस आर्टिकल को डेवलप किया गया है। वो चाहे ये वाला आर्टिकल हो चाहे ये वाला, दोनों लगभग लगभग 80% तो सेम ही है। सेम में सबसे पहले आप देखिए इनका सोल भी बिल्कुल सेम दिया गया है जैसे इनके प्रीवियस वाले आर्टिकल थे। इसकी ग्रिपिंग भी अच्छी बनाई गई है। इसका जो अपर मेस है वो मुझे बाकियों से थोड़ा सा 20 नजर आ रहा है, इसमें देखिए ये शाइनिंग नजर आ रहा है। तो इसके जो क्वालिटी है लेदर की अपर की वो थोड़ा मुझे प्रीमियम आ रहा है नजर। बाकी इसके डिजाइन पैटर्न भी ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट दिया गया है। ये स्काई कलर में बनाया गया है व्हाइट के पैचेस में, मतलब ये देखिए व्हाइट कलर का है बाकी ये स्काई कलर का है। तो एक जबरदस्त लुक यहाँ पे, किलर लुक आप कह सकते हैं, एक प्रोवाइड कर रहा है एशियन। ये देख रहा होगा कि जैसे यहाँ पे छेद है लेकिन ये छेद नहीं है इसमें, ये सिर्फ डिजाइन पार्ट है। वो चाहे आपका यहाँ पर हो, बाकी यहाँ पे जो दिया गया है ये एक्चुअल में इसमें होल दिया गया है। इसके जो रिबन की क्वालिटी है, इसकी हो चाहे जिसकी भी हो, रिबन की क्वालिटी हमेशा से एशियन अच्छी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो छेद वगैरह है वो भी परफेक्ट है। ब्रांडिंग भी इसमें बेस्ट दिया गया है, सबसे अच्छी ब्रांडिंग इसकी है। यहाँ पे देखिए एक हल्का सा एशियन लिख गया है, बाकी यहाँ पे भी एशियन इनका लिखा गया है। पैच पीछे दिया गया है, बिल्कुल सटा हुआ है तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। इसके फोमिंग अगर देखा जाए तो टंग में थोड़ा बहुत दिया गया है और बैक साइड में इसके कॉलर में फोमिंग ठीक ठाक दिया गया है। 350 ग्राम वजन में भी ये काफी अच्छा है। ओवरऑल जितने भी ये आर्टिकल आपको सामने दिख रहे हैं वेट में बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है एशियन ने। अब चलिए इसके फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, ये लेने लायक है या नहीं है। डिजाइन वाइज आपको देखना है, क्वालिटी लगभग लगभग सब सेम दिया गया है। सबकी जो सोल की क्वालिटी है बिल्कुल सेम दी गई है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अपर के मटेरियल लगभग लगभग सेम है लेकिन ये वाला थोड़ा सा ज्यादा मुझे बेटर नजर आ रहा था। सबकी जो एमआरपी है एमआरपी को आप भूल जाइए, इसकी जो बिकने वाली सेलिंग प्राइस है वो लगभग लगभग आपका सब 1000 रुपए है। तो 1000 रुपए में बजटेड स्नीकर्स एशियन प्रोवाइड कर रहा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर कैंपस के भी ओजी जो कलेक्शन है वो भी 1700-1800 के रेंज में आ रहा है और उसमें ज्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। मैक्सिमम रिटेल से आप लेंगे तो 20-25 तक ही डिस्काउंट उसमें मिलता है। तो उससे भी कंपेयर करेंगे तो बजटेड वाइज ये अच्छा है। एब्रॉस वगैरह नई कंपनी है लेकिन उनके भी जो एमआरपी है बहुत ही ज्यादा हायर है। तो बजटेड वाइज एमआरपी वाइज सॉरी सेलिंग प्राइस वाइज बहुत ही अच्छे जूते ये वाले हैं। और फ्यूचर में तो मैंने जैसे शुरू में बताया ही, फ्यूचर में इससे सस्ते इससे अच्छे अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के आपको स्नीकर्स मिलने वाले हैं। होप ये एशियन के स्नीकर शूज की हॉल आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।